हेलो नमस्कार साथियों, मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम बाय एग्जाम पर। तो कैसे हैं सभी, सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। एक बार जल्दी से आ जाओ आप लोग, बिल्कुल जोर से शेयर शेयर कर दो सभी साथियों को। जो भी आपके साथ साथी आते हैं, मित्र आते हैं, भाई बंधु जो भी आपके साथ पढ़ते हैं ना, उन लोगों को आप लोग बुला लो, ठीक है भाई। और जहां जहां भी आप लोग शेयर कर पाओ, व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टा, जो भी आप लोग चलाते हैं सोशल मीडिया, वहां पे आप लोग क्या कर दें, लिंक को जल्दी से शेयर कर दो। और जल्दी से शेयर करके आ जाना, ऐसा नहीं कि भाई लौट जाओ, कहीं और चले जाओ, भटक जाओ, ऐसा मत करना भाई, ठीक है। तो क्लास में वापस आ जाएंगे आप लोग, ठीक है जी। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और देखो समझ लो जरा सा, ये जो क्लास है ये आपकी पूरी फुल रहेगी किसकी, जीके जीएस की। ये जो क्लास है आपकी पूरी फुल किसकी रहेगी, जीके और जीएस की रहेगी, जीके और जीएस की रहेगी, ठीक है भाई। इस जीके जीएस में हम लोग किस सब्जेक्ट से प्रश्न पढ़ने वाले हैं, तो हिस्ट्री, किससे, हिस्ट्री से हम लोग पढ़ेंगे। और पॉलिटी, पॉलिटी के क्वेश्चन भी हम लोग समझेंगे। इसके साथ साथ हम लोग जियोग्राफी के क्वेश्चन भी समझ लेंगे। इसके साथ साथ हम लोग समझेंगे इको के क्वेश्चन, किसके, इको के क्वेश्चन भी समझ लेंगे। तो ये तो अपना पैटर्न बिल्कुल पक्का है, ठीक है भाई। इस पैटर्न पे तो हम लोग क्वेश्चन करते ही हैं, ये बात आप भी जानते हो। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, साइंस करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, साइंस करेंगे। और साइंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉरी फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे और केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब केमिस्ट्री से संबंधित भी क्वेश्चन करेंगे और बायोलॉजी से संबंधित भी क्वेश्चन करेंगे। यानी आपका जो साइंस और जो जीएस जीके जीएस वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे भाई साहब। और इस पूरे पोर्शन को हम लोग कवर करके चलेंगे। और इसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चन इसमें वो भी डालेंगे, डाले हैं PYQ। PYQ का क्या मतलब है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मतलब जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं, चाहे कुछ क्वेश्चन इसमें कॉन्स्टेबल के हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें SI के हैं, समझ रहे हो ना। तो कुछ आपके SI लेवल के भी है, कुछ अरे यार वो होता क्या है, MPPSC का भी दे लो ना, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। सिलेबस तो आपका वही होता है, बस थोड़ा सा क्या होता है कि क्वेश्चन की हेर फेर होती है। यानी हमारा जो क्वेश्चन देने का जो नजरिया होता है, जो लेवल होता है, वो चेंज हो जाता है, बकाया सारी चीजें सेम ही होती हैं, ठीक है जी। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सेशन को स्टार्ट होने से पहले हम आपके लिए एक पॉइंट बता दें, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चल रहा है भाई बलिदान बैच, ये कौन सा बैच चल रहा है, बलिदान बैच चल रहा है। तो अब बलिदान की बारी आ गई है, ये आपका बलिदान बैच चल रहा है और ये चलेगा किस पर, एमपी एग्जाम बाई एग्जामपुर पर। एमपी एग्जाम बाई एग्जामपुर पर कंटिन्यू ये बैच है। और इस बैच में जो पहली क्लास होती है वो होती है अतुल सर की करंट अफेयर की, 7 बजे। तो यदि आप कर रहे हैं पुलिस की तैयारी, तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। और आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर तो आना है ना आपके एग्जाम में, तो बस आप लोग इसको अटेंड कर सकते हैं। बायोलॉजी की क्लास लेंगे 8 बजे दिलावर सर, और दिलावर सर आपको बायोलॉजी की क्लास 11 बजे भी लेंगे, ठीक है। प्रीति मैम कंप्यूटर की क्लास लेती है भाई 1 बजे, कितने बजे, 1 बजे। और सोनल मैम रीजनिंग पढ़ाती हैं शाम 4 बजे, कितने बजे, शाम 4 बजे। उसके बाद शाम 6 बजे, शाम 6 बजे आपको मैथ पढ़ने को मिल जाएगा, किस किस किसके द्वारा, अमित सर के, अमित शर्मा सर के द्वारा। उसके बाद वासुदेव सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं 7 बजे, ठीक है भाई। और MPGK ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, विशेष है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो इस क्लास को तो आप लोग कभी मत भूलना, चाहे खुद को भी भूल जाओ, खाना भूल जाना खाना, लेकिन इस क्लास को मत भूलना। और ये हम पढ़ाते हैं आपको जीके जीएस की क्लास 10 बजे। तो आप लोग इन क्लासों को जरूर अटेंड करेंगे। और यदि आपने जीके जीएस की क्लास अटेंड कर ली, तो आप लोग ऐसे सोच लेना कि आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक जीके जीएस वाला कंप्लीट हो रहा है। बस आप लोग पार्टिकुलर देखते जाओ, रेगुलर देखते जाओ क्लासों को, ठीक है भाई, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन। और ये देखो आपका पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहेगा, और आप लोग इसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे। देखो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, चोल राजाओं का शासन कहां पर था। तो जो चोल राजाओं का जो शासन था, उसका हमसे क्या पूछा गया है, क्षेत्र पूछा गया है। उससे हमसे क्या पूछा गया, क्षेत्र पूछा गया है। तो आप कहोगे कि चोल राजाओं का जो क्षेत्र था वो कहां पे था, तमिलनाडु में था। कहां पे, तमिलनाडु में। और इसको हम लोग पहले मद्रास के नाम से जानते थे, किसके, मद्रास के नाम से जानते थे। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। और चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। कौन,
विजयालय था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसके साथ साथ इसकी राजधानी क्या थी, तो तंजौर या तंजावुर, तंजावुर, तंजावुर क्या थी, इसकी राजधानी थी, और इसी को हम लोग तंजौर के नाम से जानते थे। किसके नाम से, तो इसी को हम लोग तंजौर के नाम से भी हम लोग जानते थे। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। और तंजौर में क्या है, बृहदेश्वर का मंदिर है, बृहदेश्वर का क्या है, मंदिर है। तो ये भी आप लोग याद रखना है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बृहदेश्वर का मंदिर कहां पे है, तो आप बताएंगे तंजौर में है। तंजौर कहां पे पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो चोल राजाओं का जो शासन था वो कहां पे था, मद्रास यानी तमिलनाडु में था। कहां पे, तमिलनाडु में था। और तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम कौन है, तो एम के स्टालिन। एम के स्टालिन क्या हो जाएंगे, तमिलनाडु के सीएम हो जाएंगे वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमूल्य माल्यद, अमूल्य माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है, अमूल्य माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है, तो हिंदी भाषा का, संस्कृत भाषा का, या फारसी भाषा का, या फिर तेलुगु भाषा का, या फिर किसका, तेलुगु भाषा का। तो जो अमूल्य माल्यद है, जो अमूल्य माल्यद है, ये किसका ग्रंथ है, ये है भाई साहब आपका किसका, तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। किसका, तेलुगु भाषा का ग्रंथ है, ठीक है। तो कन्नड़ तमिल तेलुगु, कन्नड़ प्लस तमिल और तेलुगु, तेलुगु, ये तीनों भाषाएं किसकी भाषाएं हैं, तो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, द्रविड़। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है भाई। और कहीं ना कहीं जो हिंदी है, इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, संस्कृत से हुआ है। तो संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा हो जाएगी, संस्कृत हमारी सबसे क्या हो जाएगी, प्राचीन भाषा हो जाएगी। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है भाई सभी साथियों को। सॉरी, चलो, तो आपको क्या याद रखना है कि जो आपकी हिंदी भाषा है, जो हिंदी भाषा है, इसका निर्माण कहां से हुआ है, इसका निर्माण हुआ है संस्कृत से हुआ है, ठीक है भाई। तो अमूल्य माल्यद क्या हो जाएगा, एक बुक हो जाएगी, किताब हो जाएगी, किसकी, कृष्णदेव राय की। और ये किस भाषा में लिखी गई है, तो तेलुगु भाषा में लिखी गई है। किसमें, तेलुगु भाषा में लिखी गई है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। और अमूल्य माल्यद के अलावा एक और इनकी बुक है जिसका नाम है जम्बावती। क्या नाम है, जम्बावती। तो जम्बावती भी किसके द्वारा लिखी गई थी, कृष्णदेव राय के द्वारा। किसके, कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई थी। और ये किसके भाई, ये विजयनगर साम्राज्य के क्या थे, राजा थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो पुरी में, या फिर कोणार्क में, या फिर महाबलीपुरम में, या फिर कहाँ पे, भुवनेश्वर में, या फिर कहाँ हो जाएगा, भुवनेश्वर में हो जाएगा। तो देखो कहाँ पे स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पुरी है ये कहाँ पे पड़ता है, ये भी आपका उड़ीसा में पड़ता है। और कोणार्क है, ये भी आपका कहाँ पे पड़ता है, तो ये तीनों के तीनों शहर आपके कहाँ पे पड़ते हैं, उड़ीसा में पड़ते हैं। कहाँ पे, उड़ीसा में पड़ते हैं। और उड़ीसा की स्थापना हुई थी कब, 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा की स्थापना हुई थी। इसीलिए 1 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, उत्कल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, उत्कल दिवस मनाते हैं। कोणार्क में क्या है, तो भाई कोणार्क में आपका सूर्य मंदिर है। क्या है, सूर्य मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। और सूर्य मंदिर को किसने बनाया, तो कृष्णदेव राय ने बनाया, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया है, किसको, सूर्य मंदिर को। और सूर्य मंदिर को हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। सूर्य मंदिर को 1984 में किसमें मिलाया गया था, तो यूनेस्को में मिलाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो कोणार्क मंदिर को हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है भाई। किसने बनवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। बकाया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। दिल्ली स्थित राजघाट किसकी समाधि स्थल है, तो जल्दी से बताएंगे भाई, जल्दी से बताएंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। और ऐसे मत समझना भाई साहब, जब आप लोग आंसर करेंगे, जब आप लोग एक्टिव रहेंगे, तभी हम एक्टिव मानेंगे। क्यों, क्योंकि आता तो सबको है। कंपटीशन का क्या मतलब है, कंपटीशन का मतलब है कि किसको पहले आता है, जिसको पहले आता है, जिसको जल्दी आता है उसका वेलकम है, और जो देर लगाता है उसका वेलकम नहीं है। आयशा फिर मत कहना कि मेरा वेलकम नहीं हुआ, इसलिए एक्टिव हो जाओ, पढ़ो क्वेश्चन को, उसका आंसर समझो और जल्दी से आंसर करो भाई, ठीक है भाई। ये होती है एक्टिवनेस। तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत लाजवाब होनी चाहिए भाई सभी साथियों की, ठीक है जी।
तो दिल्ली राजघाट में किसकी समाधि स्थल है, तो वो वही किसकी, महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। और महात्मा गांधी को क्या मारी गई थी, गोली मारी गई थी महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी को गोली कहां पे मारी गई थी भाई, महात्मा गांधी को गोली गोली मारी गई थी बिड़ला भवन में। कहां पे, बिड़ला भवन में गोली मारी मारी गई थी। और बिड़ला भवन में कब गोली मारी गई थी, तो 30 जनवरी 1948 में गोली मारी गई थी। किसने मारी थी, तो नाथूराम गौड़से ने। किसने, नाथूराम गौड़से ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। और महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी को, इसलिए 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में जानते हैं। और इस बिड़ला भवन का वर्तमान में क्या नाम है, इसका वर्तमान में नाम है गांधी सदन नाम है। क्या नाम है, गांधी सदन। लेकिन गांधी जी की समाधि स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं, राजघाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजघाट। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। अब देखो कुछ आपकी समाधियां हैं, जैसे हमने बोल दिया वैशाख कि राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल, किसान घाट चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल, और वीरभूमि राजीव गांधी की समाधि, और महाप्रयाण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल, शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल, शक्तिवन ये आपकी हो जाएगी इंदिरा गांधी, और अभय घाट मोरारजी देसाई, चैत्य भूमि भीमराव अंबेडकर। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। और ये हमारी क्या है, ये समाधि स्थल है कितनी, 10। तो 10 में से आपने 10 याद कर ली तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में, यदि यहां से आ गया तो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। प्रसिद्ध गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति कहां स्थित है, जल्दी से आप लोग बताओ। तो नालंदा बिहार में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, या फिर खजुराहो मध्य प्रदेश में, कहां पे स्थित है। देखो हम आपको बताते हैं, समझना हर एक पॉइंट अच्छे से। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति कहां स्थित है, तो ये हो जाएगी कहां पे, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित हो जाएगी। ठीक है, अब ये बात आती है ये कौन है, तो ये ऋषभ देव के पुत्र थे। किसके, ऋषभ देव के पुत्र थे गोमतेश्वर बाहुबली। ठीक है भाई, आपको याद रखना है। ये मूर्ति किसने बनवाई, तो चामुंड राय ने बनवाई। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, चामुंड राय ने बनवाई। तो ये कहां पे स्थित है भाई, श्रवण गोलबेला कर्नाटक में है। ठीक है भाई, कहां पे, श्रवण यानी कर्नाटक में स्थित है। तो ये जो गोमतेश्वर बाहुबली की जो प्रतिमा है, इसका क्या होता है, पूजन होता है। तो प्रत्येक कितने, 12 वर्ष में इसका पूजन होता है, 12 साल में एक बार पूजन होता है। और इनके पूजन को कहा जाता है महामस्तकाभिषेक। क्या कहा जाता है, महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। यह भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो चामुंडराय है ये किस जैन निकाय से संबंधित थे, या दिगंबर या श्वेतांबर, तो आप कहेंगे दिगंबर से। यह भी आपको याद रखना है। और दिगंबर के गुरु कौन थे, भद्रबाहु। लेकिन श्वेतांबर के गुरु कौन थे, तो स्थूल भद्र। यह भी आपको याद रखना है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी, वो जैन धर्म में उपवास के कारण ही हुई थी। किसके, उपवास के कारण ही हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, श्रवण बेलगोला कर्नाटक। ठीक है भाई, शानदार भाई, बहुत बढ़िया। आगे समझते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। सब लोग आंसर करेंगे भाई, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, शानदार। मांजा डट जा, कह रहा रिकॉर्डिंग क्लास है, अभी बताऊं, रिकॉर्डिंग क्लास है कि लाइव है, हैं लाइव क्लास ना दिख रही तुम्हें, रिकॉर्डिंग क्लास है। कमेंट करेंगे सभी लोग, सभी साथी कमेंट करेंगे क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब नहीं पूछा गया हमसे, ठीक है भाई। तो देखो, मिस्टर हवाएं फ्रांस में चलती हैं, बिल्कुल सही बात है। यामो हवाएं जापान में चलती हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सिरोको हवाएं कहाँ चलती हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही चलती है, इटली में चलती हैं। कहाँ पे, इटली में चलती हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सी। बकाया खमसिन हवाएं मिस्र में चलती हैं। भारत में कौन सी हवाएं चलती हैं, बताओ जरा कमेंट करके, भारत में कौन सी हवाएं चलती हैं, तो आप कहेंगे लू हवाएं चलती हैं। कौन सी, लू। और लू कैसी हवाएं हैं, तो लू गर्म हवाएं हैं। कैसी हैं, गर्म हवाएं हैं। समझ गए, बहुत बढ़िया, शानदार। काफी बच्चों ने आंसर लिखा कि भाई लू चलती है भारत में, है ना। तो और इसका भी काफी बच्चों ने आंसर दिया, हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। क्या बनेगा, सी बनेगा, बहुत बढ़िया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका राइट आंसर आपका सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने विदेशी
विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए, आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए, हैदर अली ने, मीर कासिम ने, या फिर आपका शाह आलम ने, या फिर टीपू सुल्तान ने। तो किसने? टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने। और टीपू सुल्तान ने किसकी स्थापना की? नहीं नहीं, हाँ चलो, टीपू सुल्तान हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। और टीपू सुल्तान का ही कहना था कि 100 दिन भेड़ की जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की जिंदगी जी लो, एक दिन किसकी? शेर की जिंदगी जी लो भाई साहब। ये किसने कहा था? तो याद रखना, ये टीपू सुल्तान ने कहा था भाई। समझ गए? बहुत बढ़िया, शानदार भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है, ये आपको क्वेश्चन करना है। तो जल्दी से बताएं भाई क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 का। तो मार्च से अप्रैल, या अप्रैल से मार्च, या जुलाई से जून, या फिर जनवरी से दिसंबर। तो देखो, जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा जोखा का जो टाइम है वो क्या है? बी। अब आप कहोगे सर ये तो बदल गया, आप कहोगे ये तो बदल गया। तो ये देखो, ये कब तक चलेगा? 2020 पूरा चलेगा, 2021 पूरा चलेगा, 2021 चलेगा, ठीक है। लेकिन जब टाइम आ जाएगा 2022 का, जब टाइम आ जाएगा 2022 का, तो इसका जो टाइम है वो लेखा जोखा का टाइम क्या कर दिया जाएगा? मार्च से अप्रैल, मार्च से अप्रैल कर दिया जाएगा, अप्रैल। और ये घोषणा हो गई है, ये घोषणा हो गई है, ठीक है भाई। तो अभी तो क्या है, अभी तो यही है 2021 तक, लेकिन 2022 में ये कर दिया गया है टाइम पीरियड, ठीक है भाई। तो 2022 का होता तो हम ए लगा देते, ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन पूछा गया भारतीय रिजर्व बैंक का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंकों का बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंकों का बैंक बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। 35 है ये, कौन सा है, क्या है? 35 है, 35 में इसकी स्थापना हुई थी। तो स्टार्टिंग में इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहां पे था? कलकत्ता में था, लेकिन बाद में कहां कर दिया गया? मुंबई में कर दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। तो अभी वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है भाई। तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में इतना सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। और भारत में जो नोट छापने का कार्य करता है, भारत में जो नोट छापने का कार्य करता है वो भी भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है, वो भी भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। समझ गए भाई साहब, है ना? बहुत बढ़िया, शानदार भाई, शानदार। चलो, तो ये इतनी सारी चीजें आप लोग क्या रखेंगे? रखेंगे इस क्वेश्चन से, याद रखेंगे। चलो जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, बिल्कुल सही, शक्तिकांत दास हमारे गवर्नर हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बढ़िया, शानदार भाई, शानदार। देखो जरा, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो हम आपको बताते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, हम आपको बताते हैं, ठीक है। 1951 में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना कहां से कहां तक चली? 1951 से 1956 तक, ये हो जाएगी पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चलेगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1900 कब तक चलेगी? 66 तक चलेगी। कब तक? 66 तक चलेगी। और चौथी पंचवर्षीय योजना चलेगी आपकी 1969 से 1974 तक, 1974 तक। तो देखो, ये तीनों तो सही है भाई साहब, यार ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। ये होना चाहिए था 1969 से 1974। तो ये हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना, और यही हमारी क्या है? गलत है। ये क्या है? इसका टाइम पीरियड गलत है। तो हमसे नहीं ही तो पूछा गया, तो हमने क्या बता दिया? नहीं, ठीक है भाई। और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? तो राजस्थान के नागौर से। कहां से? राजस्थान के नागौर से। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। कब शुरू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था? वो यानी 5-year plan, यानी पंचवर्षीय योजना। तो याद रखेंगे 1951 में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और 1951 में संविधान में प्रथम संशोधन भी हुआ था, संविधान में प्रथम संशोधन भी हुआ था। आगे बढ़ेंगे, और ये देखो पूरी की पूरी पंचवर्षीय हमारी योजनाएं हैं। तो वह योजना कब से कब तक चली और उसका क्या उद्देश्य रहा, उसका क्या उद्देश्य रहा, तो ये आप लोग पढ़ लेना भाई, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 10।
राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? बस भाई सब पकड़ गए बात को, पकड़ गए बात को, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कैसे आंसर कर रहा है, कैसे आंसर कर रहा है, बहुत बढ़िया लाजवाब। एक बार यार लाइक वाइक भी कर दिया करो सेशन वेशन को, है ना, मेहनत करते हैं इतनी आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है हर एक एक सेशन में भाई साहब, तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो आप लोग, लाइक और शेयर। और यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, ठीक है जी। चलो आगे समझते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, यानी जो राष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाएगा? तो सीजेआई दिलाएगा। कौन? सीजेआई दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। बकाया जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे इसके पहले अध्यक्ष थे सुकुमार सेन, सॉरी एच जे कानिया। क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है भाई। सुप्रीम कोर्ट के क्या थे? पहले अध्यक्ष थे एच जे कानिया। तो राइट आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 11। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है कैसा है? तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार हमारा क्या है? एक विधिक अधिकार है। क्या है? विधिक अधिकार है। क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हमने किसमें बदल दिया? कानूनी अधिकार में बदल दिया। किसमें? कानूनी अधिकार में बदल दिया। और संपत्ति का अधिकार किसमें था? आर्टिकल था 31 में। अब किसमें पहुंच गया? आर्टिकल 300A में पहुंच गया। आर्टिकल 300A में पहुंच गया संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे? फंडामेंटल राइट से संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। और ये मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। कहां से? अमेरिका से लिए गए। भाग नंबर किसमें स्थित है? तो भाग नंबर 3 में स्थित है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। और आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के मध्य इनका क्या है? वर्णन है। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के मध्य मौलिक अधिकारों का क्या है? वर्णन है। ये भी आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे भाई साहब, है ना। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई साहब, है ना, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पृथ्वी से किसी पिंड का पलायन वेग होता है, अब बताओ भाई साहब क्या होता है? तो पृथ्वी से किसी पिंड का पलायन वेग होता है कितना होता है? भारी पिंडों के लिए अधिक होता है, ऐसा है क्या? हल्के पिंडों के लिए अधिक होता है, ऐसा है क्या? और समान चाहे पिंड का द्रव्यमान कुछ भी हो। तो भाई ये बात सही है, मतलब जो पलायन वेग होता है वो हमेशा समान होता है चाहे पिंड का द्रव्यमान कुछ भी हो। चाहे हम यहां से 1 किलो की वस्तु फेंकें या 100 किलो की वस्तु फेंकें, उसका जो पलायन वेग है वो क्या होगा? सेम होगा। और पलायन वेग होता कितना है? तो याद रखेंगे 11.2 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। ये आपका क्या होता है? पलायन वेग होता है। मतलब 1 सेकेंड में हमारा जो पिंड है वो कितनी ऊंचाई तक जाना चाहिए? तो 11 किलोमीटर। कितना? 11 किलोमीटर जाना चाहिए 1 सेकंड में। ये वेग से जब हम किसी भी वस्तु को फेंकेंगे तो वो हमारा जो क्षेत्र है, गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है, वो क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा, फिर वो कभी वस्तु हमारे उस पर नहीं आएगी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सिनेवार का अयस्क क्या है? शीशे का सिनेवार अयस्क है, शीशे का, पारे का, या चांदी का, या फिर जस्ते का। जस्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? जेडन बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं? जिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक बोलते हैं। चांदी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर बोलते हैं, ठीक है भाई। यानी इसको हम लोग एजी बोलते हैं, एजी, ओजी, सुनो जी, है कभी एजी कभी ओजी, एजी ओजी। चलो तो एजी ओजी समझते हैं थोड़ा सा हम लोग, है ना। जो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा गया है, बहुत बढ़िया शानदार, सभी लोग भाई लाइक वाइक करते जाएंगे, सभी साथी, ठीक है, सभी साथी लाइक वाइक करते जाएंगे। तो जो सिनेवार अयस्क है वो किसका है? पारे का है। किसका है? पारे का है, यानी किसका है? मरकरी का है। और इसको हम लोग बोलते हैं एचजी। क्या बोलते हैं? एचजी बोलते हैं, ठीक है, एचजी बोलते हैं। चलो तो जो पारा है ये हमारा क्या है? ये हमारा द्रव धातु है। ये हमारा क्या हो जाएगा? द्रव धातु हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा द्रव धातु क्या है, तो पारा है।
और द्रव आधातु क्या है? आधातु आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे द्रव आधातु हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी बनेगा। क्या बनेगा? बी। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 14 है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर किस किस से बनता है? तो याद रखेंगे ये आपका चूना से बनता है, चूना प्लस क्लोरीन। क्या? क्लोरीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोरीन होना चाहिए। तो अब आप कहोगे चूना का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaO होता है। क्या होता है? CaO होता है चूने का फॉर्मूला। और क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है? Cl2। तो बस चूने में किसकी क्रिया करा दो? क्लोरीन की क्रिया करा दो तो हमारा क्या बन जाएगा? CaO Cl2। बस ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? कैल्शियम क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड कहेंगे। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है भाई। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोनेट कहेंगे। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है भाई, ये भी याद रखेंगे। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग Na2CO3। तो इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहेंगे। इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे, ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। इसको क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? बी रहेगा, बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है? एंथ्रेसाइट कोयला में। एंथ्रासाइट अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, इसीलिए एंथ्रासाइट कोयले में सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और सबसे कम किस में पाई जाती है? तो पीट कोयला में। किस में? पीट कोयला में। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। बकाया बिटूमिनस और लिग्नाइट भी क्या है? कोयले का ही एक प्रकार होता है। आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु यानी वायरस जनित होती है? तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कि वायरस जनित हमारी कौन सी बीमारी है। शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो विषाणु जनित कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड, टीबी, हैजा या फिर हेपेटाइटिस। तो क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस होता है भाई किसके? वायरस के कारण होता है। किसके? वायरस के कारण होता है। अब ये क्या होता है? तो ये हमारा जो लीवर होता है ना, जो हमारा लीवर होता है, अब आप कहोगे यहाँ होता है क्या लीवर? भाई पेट के पास होता है, जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं। तो उसमें सूजन वगैरह आ जाती है, लीवर खराब हो जाता है, लीवर अच्छे से काम नहीं करता है। तो उसी के कारण, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस बोलते हैं। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर में कौन सा हार्मोन बनता है? तो हेपेरिन नाम का प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, हेपेरिन नाम का हार्मोन बनता है। किसमें? लीवर में बनता है, यकृत में बनता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि जो आपका हेपेटाइटिस है वो क्या है? वायरस जनित रोग है। क्या है? वायरस जनित रोग। तो वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं ये भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि वायरस से आपके कौन कौन से रोग होंगे। हाँ, तो वायरस से आपके कौन कौन से रोग होंगे? जैसे एड्स, ठीक है भाई, रेबीज, डेंगू, पोलियो लिखते जाना, इन्फ्लुएंजा, चेचक, और छोटी माता, बड़ी माता, खसरा, पोलियो और हर्पीज। ये आपके जो रोग हैं ये किससे होते हैं? वायरस से होते हैं, विषाणु से होते हैं। लेकिन जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो जीवाणु से होने वाले रोग भी लिख लो भाई, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, काली खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया, निमोनिया। ये आपके जो रोग हैं ये किससे होते हैं? ये होते हैं जीवाणु से होते हैं, ठीक है भाई, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो एक जगह आप लिख लो जीवाणु से होने वाले रोग, एक जगह लिख लो विषाणु से होने वाले रोग, बस सीधी सी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो देखो, भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें हमें वस्तुएं पुनः प्राप्त हो जाएं, जिसमें हमें वस्तुएं पुनः प्राप्त हो जाएं। जैसे हमने जल को जमाया और जल से तुरंत फिर पानी बना लिया, तो मतलब हमने द्रव द्रव से ठोस बनाया, फिर उससे हम लोग द्रव बना सकते हैं, है ना, ये चीजें होती हैं। तो लोहे में जंग लगना, जब लोहे में जंग लग जाएगा तो हम पुराना लोहा प्राप्त कर पाएंगे? और पहले के जैसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि लोहे में जंग लग चुका है। तो भाई ये तो हमारा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन।
और क्वेश्चन पूछा जाता है लोहे में जंग लगने के कारण लोहे का भार बढ़ता है कि घटता है, तो आप बताएंगे बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। और जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O इंटू XH2O, किसका? जंग का फॉर्मूला होता है। पानी का जमना, बिल्कुल सही, पानी का जमना, पानी को जमा लो फिर पानी बना लो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कोयले का जलना, कोयला एक बार जल जाए फिर दोबारा हमें मिलता है? नहीं मिलता है, तो कोयले का जलना क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। दही का खट्टा होना, दही एक बार खट्टा हो जाए फिर मीठा हो सकता है, मतलब दही बन जाए फिर दूध बन सकता है? नहीं बन सकता है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? हमारा राइट आंसर रहेगा बी, ठीक है भाई। और बकाया एक और सी और डी, ये हमारे क्या है? केमिकल चेंज है। क्या है? केमिकल चेंज है। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है। शानदार, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं हम लोग। जब दो भिन्न भिन्न व्यास की केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर द्रव की ऊंचाई किसकी अधिक होती है? तो जैसे हमने बोल दिया कि दो केस नलियां हैं, दो केस नलियां हैं, एक की है भाई मोटा, एक का है मोटा व्यास और एक का है पतला व्यास। तो हमसे ये पूछ रहा है कि किस में द्रव ऊपर चढ़ेगा, किस में द्रव ऊंचाई पर जाएगा? दोनों केस, दोनों केस नलियों में बराबर रहेगा, या अधिक व्यास वाली केस नली में अधिक होगा, या कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगा, या फिर जल के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? सी रहेगा। क्या रहेगा? सी। जितना कम आपका व्यास होगा उतना ही ऊपर क्या जाएगा? द्रव जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है, जितना कम व्यास होगा उतना ही प्रेशर ज्यादा बनेगा। कैसे? जैसे आपने देखा होगा एक पाइप होता है और उसको पाइप को हम नॉर्मल छोड़ते हैं तो उसका प्रेशर कम दूर तक जाता है, लेकिन उसको बगल से दबा लेते हैं पाइप को तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि व्यास कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा? पतली व्यास नली में, पतली केस नली में द्रव ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है। तो ये देखो जहां पे क्या होगा, एरिया कम होगा यानी जो व्यास है वो कम होगा, वहां पे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 करो भाई, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग बताएं भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 बताएं, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो आप कहेंगे विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस है जो आपका कहां तक जाती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। डिब्रूगढ़ से कहां तक जाती है? कन्याकुमारी तक जाती है। कन्याकुमारी तक जाती है। कन्याकुमारी आपका कहां पे पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में पड़ता है। और क्वेश्चन पूछा जाए डिब्रूगढ़ कहां पे है, तो ये आपका असम में है। कहां पे है? असम में है। तो डिब्रूगढ़ से कहां तक? कन्याकुमारी तक जाती है कौन? विवेक एक्सप्रेस। और ये सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करने वाली है। क्वेश्चन पूछा जाए भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी ट्रेन चलाई गई थी, तो समझौता एक्सप्रेस चलाई गई थी भारत और पाकिस्तान के मध्य। लेकिन भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री एक्सप्रेस। कौन सी? मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो 19 का वैसे ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन राइट आंसर क्या रहेगा? विवेक एक्सप्रेस रहेगा। क्या रहेगा? विवेक एक्सप्रेस हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं नेक्स्ट 40। हड़प की नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? कौन से राज्य भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? हड़प की नीति किसने चलवाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने चलवाई थी। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड क्या था? तो 1848 से 1856 तक वो भारत में रहा। तो ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हड़प की नीति के अनुसार कौन कौन से क्षेत्र हड़पे गए? तो झांसी, नागपुर सतारा आपकी कहां पे? महाराष्ट्र में पड़ते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। राइट आंसर क्या रहेगा भाई? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए बात को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार की ओर से शुरू किए गए भारतीय पोषण एंथम के रचनाकार कौन है?
तो भारतीय पोषण एंथम के रचनाकार कौन है ये तो आपको बताना ही है, लेकिन इस योजना के तहत क्या कहा गया, इस योजना के तहत ये कहा गया कि 2022 तक, 2022 तक भारत को, भारत को हम लोग क्या करेंगे, भारत को पोषण मुक्त बना देंगे। क्या करेंगे? पोषण मुक्त बना देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई भी व्यक्ति गरीबी के कारण मरेगा नहीं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको जिसकी मृत्यु खाने के कारण हो जाए, खाना नहीं मिला। भाई साहब बहुत से ऐसे गरीब लोग होते हैं सड़कों पर पड़े होते हैं, खाना ना मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। तो ऐसा 2022 तक कोई भी बंदा नहीं रहेगा, क्योंकि हम सबको क्या कराएंगे, पोषण देंगे, आहार देंगे, खाना देंगे। ठीक है भाई। और ये जो गीत है ये किसने गाया, ये गाया प्रसून जोशी ने। किसने? प्रसून जोशी ने। ये आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, प्रसून जोशी जी, बिल्कुल शानदार भाई, शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ जी, प्रसून जोशी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम लोग 22। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वैधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो किसने बनवाई थी दिल्ली में, दिल्ली में जंतर मंतर, तो जल्दी से बताओ। अकबर ने बनवाई थी? नहीं भाई साहब, ये तो किसका था, मुगल, ये तो मुगल शासक था, मुगल शासक, ये क्या था, मुगल शासक था। और इसका टाइम पीरियड था 1556 से 1605, 1556 से 1605 इसका टाइम पीरियड था, है ना। शाहजहां कब से कब तक राजा रहा, तो ये भी आपको याद रखना है, ये 1627 से 1658 तक राजा रहा। कौन? शाहजहां रहा। सूरजमल ये राजस्थान में पहुंच जाएंगे, जयसिंह ये भी राजस्थान में, राजस्थान में पहुंच जाएंगे। तो जयसिंह द्वितीय ने, जयसिंह द्वितीय ने क्या बनवाया था, जंतर मंतर बनवाया था। और ये क्या है, एक खगोलीय वैधशाला। और इसी से हम लोग क्या करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं, किसका, समय का पता लगाते हैं। तो जो आपके जंतर मंतर हैं ये कहां कहां है, ये भी आप लोग समझ लो। जंतर मंतर दिल्ली में है, कहां है, दिल्ली में है, उज्जैन में है, कहां पे, उज्जैन में है। और इसके बाद बनारस में है, बनारस में है, और कहां है, जयपुर में है, जयपुर, जयपुर। तो इतनी चार जगह क्या है, जंतर मंतर स्थित है। ये भी आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। किसने बनवाया, जयसिंह द्वितीय ने बनवाया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है कौन, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट तो ये खगोल, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो आर्यभट्ट था ये एक ज्योग्राफिकल था, यानी इसको खगोल के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था, इसीलिए आर्यभट्ट नाम का हमने, भारत ने क्या किया, पहला उपग्रह लॉन्च किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का पहला उपग्रह कौन था, तो याद रखेंगे आर्यभट्ट था। और इसको 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था, 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। ब्रह्मगुप्त या फिर भास्कराचार्य या फिर लल, ये लल क्या होता है भाई साहब, लल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भास्कराचार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने बीजगणित के लिए क्या दिया था, विशेष योगदान दिया था। ठीक है भाई, तो ये देखो, ये आपके हो जाएंगे भास्कराचार्य, देखो भाई साहब, है ना। तो ये थे भास्कराचार्य जिन्होंने बीजगणित के लिए क्या दिया, विशेष योगदान दिया था अपना। ठीक है भाई, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। तो यही थे भास्कराचार्य जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तीसरे आंग्ला मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की, ये आप लोग जल्दी से बताएंगे। किस युद्ध को रोकने के लिए? तो तीसरा आंग्ला मराठा युद्ध को रोकने के लिए। तो जल्दी से आप लोग बताओ, तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध को रोकने के लिए, सॉरी, तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध को रोकने के लिए, जल्दी से आप लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो। तो देखो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर रहेगा भाई क्या, श्रीरंगपट्टनम की संधि की। कौन सी की? श्रीरंगपट्टनम की संधि की, ये आपको याद रखना है। अब श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी 1792 में। किसके साथ हुई थी? तो लॉर्ड कार्नवालिस के साथ, कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस के साथ हुई थी। तो देखो जरा, जो तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध चल रहा था, और उस युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने, किसने, टीपू सुल्तान ने किससे समझौता किया, तो भाई ये समझौता किया किससे, कार्नवालिस से। और इस समझौते को हमने क्या नाम दिया, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये कब हुई, तो 1792 में हुई। फिर ये संधि हुई तो क्या हो गया, समझौता हो गया, फिर क्या हो गया, समझौता हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25।
प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? तो अवध को, उड़ीसा को, बर्मा को, या फिर संयुक्त प्रांत को, या फिर किसको? संयुक्त प्रांत को। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें क्या करेंगे, आंसर बताएंगे। देखो, उड़ीसा तो आपका उड़ीसा है, बर्मा वर्तमान में क्या है, म्यांमार है, म्यांमार है वर्तमान में, म्यांमार है बर्मा, ठीक है, याद रखेंगे। और इसकी राजधानी है नाउपिता और मुद्रा है क्यात। संयुक्त प्रांत हम लोग किसको जानते हैं, तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है, किसका? उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है, ये आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। बकाया जो अवध वाला क्षेत्र था, जो अवध वाला क्षेत्र था, इसको मिला लिया था, ठीक है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट जारी किया था, जिसने भारत में डाक टिकट जारी किया था? तो जल्दी से आप लोग बताओ भाई कि डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो 1852 में। डाक टिकट कब जारी किया गया था, 1852 में, और किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्यों? लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक शासक रहा, तो 1848 से 1856 तक, और 1852 में क्या हुआ, डाक टिकट जारी हुआ, क्या हुआ, डाक टिकट जारी हुआ। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, लॉर्ड डलहौजी। विलियम बेंटिक ने क्या किया था, सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1829 में, कब, 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी, किसने, विलियम बेंटिक ने, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया था, तो जीटी रोड नाम दिया था, जो हमारा सड़क ए आजम जो बाबर ने, सॉरी शेर खान ने बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी जीटी रोड, उसका जीटी रोड नाम किसने दिया, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने दिया। इसका पहले नाम क्या था, तो सड़क ए आजम, क्या नाम था, सड़क ए आजम नाम था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इलाहाबाद की संधि 1765 में, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको बनाया था, जल्दी से बताओ भाई, तो मोहम्मद रजा खान, या राजा सिताब राय, या राय दुर्लभ, या फिर आपका हो जाएगा सैयद गुलाम हुसैन, या फिर क्या हो जाएगा, सैयद गुलाम हुसैन। तो जल्दी से आप लोग बताएं, जरा जल्दी से आप लोग बताएं। देखो, रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का, हाँ, उप दीवान किसको बनाया था, बहुत बढ़िया, उप दीवान किसको बनाया था, तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था, किसको, मोहम्मद रजा खान को बनाया था। और 1765 में ही क्या लगाया था इसने, बंगाल में द्वैध शासन लगाया था, क्या लगाया था, द्वैध शासन लगाया था, ये भी याद रखेंगे। तो इसको, द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया था, 1772 में, ये भी आपको याद रखना। कितने साल चला, 7 साल चला था ये, कितने, 7 साल चला था। और द्वैध शासन को हम लोग कहते हैं भारत की लूट के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना। फिर 1757 में, 1757 में क्या हुआ था, 1757 में हुआ था कौन सा, प्लासी का युद्ध हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, प्लासी का युद्ध। और ये प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था, और इसमें जीत हुई थी किसकी, जीत हुई थी इसमें रॉबर्ट क्लाइव की, और सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, कौन सा, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, राइट आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 28, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की, और एवं धन आशीर्वाद से सहायता की, तो किसकी, खुसरो की, ये आप लोग जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 है ना, बहुत बढ़िया। खुसरो आपका किसका पुत्र था, तो खुसरो था भाई जहांगीर का पुत्र, किसका, जहांगीर का पुत्र था। और खुसरो की सहायता किसने की, तो ये आपको बताना है, खुसरो की सहायता की गुरु अर्जुन देव ने, किसने, गुरु अर्जुन देव ने की। और गुरु अर्जुन देव गुरुओं के पांचवें गुरु थे, कौन से, गुरुओं के पांचवें गुरु थे। और गुरु अर्जुन देव किसके गुरु, किसके पुत्र थे, तो गुरु रामदास के, रामदास के गुरु थे। रामदास ने स्वर्ण मंदिर की नींव डाली थी, लेकिन स्वर्ण मंदिर को समाप्त किसने, पूरा किसने बनवाया था, तो अर्जुन देव ने बनवाया था, ठीक है, आपको याद रखना है। गुरु तेग बहादुर सिंह, या गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह आपके कौन से नंबर के, 10वें नंबर के थे, कौन से नंबर के, 10वें नंबर के गुरु थे, ठीक है जी, है ना, शानदार शानदार भाई शानदार। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, सी रहेगा, क्या रहेगा, सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, सती प्रथा पर रोक किस भारतीय गवर्नर जनरल के द्वारा लगाई गई थी, तो अभी हमने आपको बताया विलियम बेंटिक ने 1829 में,
1829 में क्या लगाई थी, सती प्रथा लगाई थी, और इसका सहयोग किया था किसने, राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने किया था, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना की थी कब, तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, और 1828 में क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था कहां पे, पश्चिम बंगाल में, कहां पे, पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर आपका रहेगा सी, क्या रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर करते हैं 30, निम्नलिखित में से वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का शुभारंभ किया या प्रारंभ किया, मतलब जहां से ब्रिटिश सत्ता जम गई, जहां से ब्रिटिश सत्ता जम गई, है ना। शानदार भाई, शानदार, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से आप लोग करेंगे क्वेश्चन 30 का आंसर, जल्दी से आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या रहेगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो जरा, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध आपको पता है, हमने अभी आपको बताया 1757 में हुआ था, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी, और कहीं ना कहीं बंगाल का जो सिराजुद्दौला था वो हार गया था, और जब बंगाल का सिराजुद्दौला हार जाता है तो फिर उसके बाद मीर जाफर वगैरह इस टाइप, हाँ मीर कासिम को बनाया जाता है, मीर कासिम को भाई अध्यक्ष बनाया जाता है इस टाइप से, ठीक है जी। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ए रहेगा, ठीक है। चलो तो ये हमारा जो सेशन था वो आज का यहीं तक रहेगा, बकाया आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सेशन आपको कैसा लगा है, सभी लोग एक बार बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा है, ठीक है भाई। तो इस आज का जो सेशन है आज थोड़ा सा जल्दी समाप्त कर देते हैं, बकाया कल का जो सेशन होगा उसमें बिल्कुल जान डाल देंगे भाई साहब, और उड़ा देंगे सेशन को, क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। तो जो कल हमने सेशन पढ़ा था उसमें बहुत ही बेहतरीन हमने आपको क्वेश्चन करवाए थे, तो यदि आपने कल वाला सेशन नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से देख लो, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी होगी, या फिर आपका वीडियोज वाले ऑप्शन में भी वीडियो पड़ी होगी, तो वहां भी आपको क्या मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी, है ना। तो पढ़ा करो भाई साहब, और रेगुलर कंटिन्यू वीडियो देखा करो, क्योंकि जब आप कंटिन्यू देखोगे तो आपको एक ये आइडिया लग जाएगा कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये आइडिया आपको लगेगा भाई, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी, और ये पता तभी आपको चल पाएगा जब आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, और मेरे साथ साथ चलेंगे, और आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, ये सारी चीजें हैं, ठीक है जी। हाँ जी, चलो भाई, गुड नाइट, गुड नाइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही, बकाया सभी साथियों को एक बार फिर से दिल से जय हिंद, हमें कलम से क्रांति, जय एग्जामपुर, कर भी जय एग्जामपुर।